हेलो गाइस, आज हम लोग पसीरिस पार्क में आए हैं। और इसके लिए मैंने पहले भी पार्ट वन बनाया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि उसके लिए कि कैसे हम लोग वहाँ पर गए थे और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेरे उस वीडियो में जाके आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी। आज हम दूसरे पार्ट टू में शुरू करते हैं सिंगापुर के पसीरिस पार्क टू के अंदर। आप मेरे साथ चलिए और देखिए कि साथ आपको यहाँ साइड में एक घोड़ों का अस्तबल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जनरल मैं वीकेंड्स के अंदर यहाँ पर आपको घोड़े घूमते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आज वीकडेज है तो यहाँ पर कोई भी घोड़ा नहीं दिखाई दे रहा, वो सब उन्होंने अस्तबल के अंदर बांध कर रखे हुए हैं। और वीकेंड्स में यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं और वो यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, इवन उनको बच्चे यहाँ पर राइडिंग भी करते हैं। और अगर किसी जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो साइड में शॉप से कैरेट वगैरह खरीदते हैं और उन घोड़ों को खिलाते हैं ताकि बच्चे सीख सके कि जानवरों के साथ बिहेव करना, कि कैसे करते हैं उनसे, उनके अंदर भी वो चीज़ें डेवलप हो पाएँ। और यहाँ और अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप मेरे इधर साइड में बहुत सारे पेड़ पौधे भी देख रहे होंगे, कितना अच्छा पूरा कितना अच्छा माहौल बना हुआ है यहाँ पर, और बहुत सारी अच्छी ग्रीनरी है, कितनी अच्छी साफ सड़कें हैं यहाँ। और आपको यहाँ पर मुर्गे भी दिखाई देंगे, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिंगापुर में हर जगह मुर्गे बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। ये देखो कितना यहाँ पर डरते भी नहीं हैं ये। अब हम आगे चल रहे हैं और आप देखते हैं, और यहाँ पर एक चीज़ मैंने नोटिस की, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े और घने जंगल हैं और बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, जो आजकल शायद कहीं मुश्किल से देखने को मिलती हैं ये सब चीज़ें। और आप ये देख सकते हैं साइड में कितना बड़ा पार्क है यहाँ पर, इसमें लोग यहाँ पर वॉलीबॉल वगैरह सब बैट बॉल वगैरह सब खेलते हैं इधर। और अब हम चलते हैं आगे आगे और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ आपको पता है अभी अभी बारिश हुई है और फिर भी यहाँ पर कोई कीचड़ नहीं है, कितनी साफ सड़कें हैं आप देख सकते हैं, कोई यहाँ पर गंदगी नहीं दिखाई देती कहीं पर भी, बहुत काफ़ी अच्छे से ये लोग मैनेज करके रखते हैं अपनी हर चीज़ को। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें रास्ते में और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। शाम के टाइम पे यहाँ लोग आ जाते हैं, अपनी साइकिलिंग करते हैं और रेस जॉगिंग करते हैं। आपने मेरी भी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि मैं भी यहीं पर जॉगिंग वगैरह सब एक्टिविटीज़ वगैरह करती हूँ। अब हम इधर चल रहे हैं यहाँ से, अब जैसे ही आप सीधे आगे जाएंगे, आगे एक पुल आएगा और उससे हम साइड लेकर नीचे चले जाएंगे, वहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं वो चीज़ें दिखाती हूँ। ये देखिए आप कितने घने जंगल हैं यहाँ पर, कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। और एक चीज़ तो खूबसूरती देखो, यहाँ पर पेड़ों के ऊपर भी ये लोग पेड़ उगा देते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे इन्होंने पेड़ों के ऊपर पेड़ उगा रखे हैं। और आप देख सकते हैं वीडियो में कि
लोग साइकिलिंग कैसे करते हैं, ऐसे यहाँ पर रेंटल साइकिलिंग साइकिल वगैरह मिल जाती है। देखो कितना अच्छा पूरा वेदर हो चुका है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कितना अच्छा सुहाना मौसम है। और इस मौसम में अगर आप बीच किनारे अगर आप वॉकिंग के लिए जा रहे हो तो उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। और चलो चलते हैं, अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आगे आप देखना साइड में एक बीच है और सीधा हम उस पार्क में बीच से होते हुए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, साइकिलिंग पे कुछ लोग साइकिलिंग पे कर रहे हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं पसीर इस पार्क के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं। ये पसीर इस पार्क टू, आज हम इस पसीर इस पार्क टू के अंदर जाएंगे। यहाँ पर हम क्या क्या देखेंगे इसके अंदर आप देख सकते हो कि ट्रैक रोड ट्रैक जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छी ये झील लग रही है यहाँ पर जो आ रही है। और यहाँ पर लोग फिशिंग वगैरह भी करते हैं इसके अंदर, आपको सामने दिख रहा होगा एक लड़का खड़ा है फिशिंग के लिए करने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और चीज़ें दिखाती हूँ मैं आपको। आपको साइड में एक ही स्पेस दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लोग सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज वगैरह सब करते हैं। और आप ये देखें कितनी अच्छी ये कलाकृतियाँ हैं। और ये लोग यहाँ पर जो ये पेड़ मर जाते हैं उनसे ये लोग ये इतनी अच्छी आर्टिस्ट जो हैं ये इतनी अच्छी कलाकृतियाँ बनाते हैं। ये देखो आपने कितना एक एक वर्ड कितने अच्छे से इसके ऊपर कितनी अच्छी कलाकारी की है। और आप ये देख सकते हैं कि जो पेड़ मर जाते हैं उनको ये जीवित बना देते हैं अपनी आर्ट के आर्ट का यूज़ करके। और आप ये देख सकते और इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसके अंदर आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने उसके अंदर बहुत सारी मैंने कलाकृतियाँ दिखाई है कि कैसे वो बनाते हैं, क्या क्या कितनी अच्छी सुंदर सुंदर वो कलाकृतियाँ हैं। और ये आप देखिए आप कितना अच्छी उन्होंने ये बनाई है जो हम इसको उल्लू बोलते हैं, कितनी अच्छे से नाक आँख कितनी एक एक चीज़ इन्होंने बड़े सुंदर और बहुत अच्छे तरीके से, मेरा तो इन कलाकृतियों ने मन मोह लिया यहाँ पर। पर पार्क में जगह जगह पर बैठने के लिए सीट वगैरह सब मिल जाएंगी। अगर आप थक जाते हो चलते चलते तो आपको आप यहाँ पर बैठ के आप रिलैक्स कर सकते हो।
और लोग यहाँ पर गाड़ियों में आते हैं, वो लोग वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं, आप देख सकते हैं। और पार्क के अंदर ही यहाँ पर ये आपको सामने एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर आप अगर आपको भूख लग जाती है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप इसके अंदर जाइए और खाकर आप दोबारा से एक्सरसाइज करने के लिए पार्क में आ जाए। कितना अच्छा सब चीज़ें माहौल है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। देखो पेड़ों के ऊपर पेड़, कितने पुराने पेड़ है और कितना घना पेड़ है, ये देखो आप ऊपर कितने अच्छे, कितनी सुंदरता में कितने चार चांद लगा के रखे हैं इस पेड़ ने। और ये एक अकेला पेड़ नहीं है, इस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं आसपास, आप देख सकते हो। और यहाँ बैठने के लिए अगर बारिश आ जाती है तो बैठने के लिए यहाँ पर छतरी भी है और आप इनके ऊपर बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो ऐसे। चलो चलते हैं आगे और इसमें देख, चलते हैं आगे की और चीज़ें दिखाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ये देखो पेड़ के ऊपर इन्होंने कितने अच्छे से करके रखा है, यहाँ पर पेड़ के ऊपर भी पेड़ उगे हुए हैं। क्या नज़ारा, क्या अद्भुत नज़ारे हैं ये, कहीं कहीं पर देखने को मिलते हैं ऐसे, मैंने इंडिया में तो कहीं पर भी ऐसी चीज़ें नहीं देखी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मुर्गे, यहाँ मैंने आपको पहले भी दिखाया था और अब भी मैं, अब फिर यहाँ पर हमें मुर्गे दिखाई दे, और अब आगे हम जैसे जैसे आगे पार्क में बढ़ेंगे हमें और मुर्गे दिखाई देंगे, हम मैं आपको और भी दिखाती हूँ। साइड में दिखाई दे रहा होगा एक बच्चों के खेलने के लिए एक प्ले ग्राउंड है, यहाँ पर आप वॉलीबॉल वगैरह बैडमिंटन वगैरह खेल सकते हैं इसके अंदर। और अब हम आगे चल रहे हैं, आगे हम आपको बच्चों का प्ले ग्राउंड वगैरह दिखाएंगे, यहाँ पर बच्चे खेल रहे होंगे, काफी अच्छे झूले हैं वहाँ उसके अंदर।
आप सामने देख सकते हैं बीच है यहाँ पर, और सामने यहाँ पर शिप वगैरह आती जाती रहती हैं। अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में दिखाते हैं अगर हमें कोई मिलती है यहाँ पर। और यहाँ पर लोग फिशिंग वगैरह भी करते हैं, सामने आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर बच्चों के पार्क में आ गए हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। छोटा है तो आप इसमें, अगर 2-3 साल का है तो इसमें बिठा के आप उसको झुला सकते हैं ताकि वो गिरे ना। कितना अच्छा इसने स्ट्रक्चर बनाया है। और अगर आपका बच्चा बड़ा है लाइक मी, तो इस पर आप बैठ कर ऐसे झूल सकते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे झूल सकते हैं ऐसे। चलो अब चलते हैं और दूसरे और झूले आपको एक्सप्लोर करवाती हूँ। ये भूल भुलैया है, छोटे बच्चों के लिए। इसके अंदर जाएं, घूमें। ये तो कभी नहीं, ये बच्चों के ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर, ताकि वो क्लाइंबिंग करना सीखे। बच्चों के लिए है यहाँ पर, बच्चे इसके अंदर जा सकते हैं। भैया बच्चों के लिए, ये बच्चे इसके अंदर जा सकते हैं और फिर यहाँ से स्लाइडिंग वगैरह कर सकते हैं इसके अंदर। और ये आप ये देख सकते हैं, अगर आपका छोटा बच्चा है तो इसके अंदर आप उसको लेटा के उसको झुला सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे भी खेल रहे हैं।
ये पार्क है, यहाँ पर बच्चे इसको घुमाते हैं, ऐसे घुमाकर इसके अंदर आप खेल सकते हैं, जैसे आप इसमें देख रहे होंगे इस तरीके से। और ये बच्चों की क्लाइंबिंग, और ये देखिए यहाँ पर, यहाँ फर्श कितना अच्छा है, अगर इसमें बच्चे गिर भी जाते हो तो उनको चोट नहीं लगेगी, सबसे बड़ी बात। और यहाँ पर आप इसमें क्लाइंबिंग कर सकते हैं, वन बाय स्टेप बच्चे ऊपर चढ़ सकते हैं। और इसके लिए अब हम दूसरा, और एक ये वाला जिग जैग वाला, इसके अंदर दो बच्चे बैठ के इनको ऐसे ऐसे झूल सकते हैं ये। और एक ये सामने एक ये झूला है, इसके अंदर आप यहाँ से चढ़ेंगे, बच्चों के लिए है ये, तो इसीलिए मैं इसके अंदर नहीं जा रही हूँ, तो यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। और सामने स्लाइडिंग है, वो दिखाती हूँ मैं आपको, उस स्लाइडिंग से अंदर जाकर बच्चा यहाँ से स्लाइडिंग करके वो नीचे जा सकता है। और एक इस तरीके से गोल वाली स्लाइडिंग है, और आप एक इधर देख सकते हैं, एक ये स्ट्रेट वाली भी स्लाइडिंग है, सीधा यहाँ से जाए बच्चा और इससे झूल कर आ जाए। कितनी अच्छी एक्टिविटीज़ वगैरह बच्चों के लिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ है यहाँ पर। और बच्चों को, और एक ये देखिए आप, यहाँ पर अगर एक बच्चा है तो जिग जैग वाला, अगर चार बच्चों का ग्रुप है और वो बैठ के यहाँ पर जिग जैग वाले, उसके लिए गाड़ी चला सकते हैं जैसे बच्चे चलाते हैं। और एक सबसे बच्चों की फेवरेट जो चीज़ रहती है, कार चलाना, उसके लिए भी उन्होंने एक ऐसा ही झूला बनाया, इसमें यहाँ पर बच्चा अंदर जाकर इसमें कार चला सकते हैं। ये देखो इस तरीके से, ये भी ऐसे 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 इसको हिला हिला के चला सकते हैं। ये सिर्फ ये जो पूरा का पूरा जो एरिया, जो एक्टिविटी 5 से 12 ईयर्स का जो बच्चा है वो आकर इसके अंदर खेल सकता है। आप सामने देख रहे होंगे यहाँ पर बच्चा अपना चढ़ सकता है, चढ़ के यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चढ़ के वो ऊपर तक जा सकता है। और मैं एक भी फिर कभी मैं ट्राई करती हूँ इसके ऊपर वहाँ तक जाने के लिए, और उसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊँगी, उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि मैं चढ़ पाती हूँ या नहीं चढ़ पाती। सामने ये बार है, यहाँ पर लोग बार में जाके अपना एंजॉय कर सकते हैं।
और अगर आपको वोट लेके आप समुंदर में जाके वोटिंग कर सकते हो। साइड में आप यहाँ पर बोट वगैरह देख सकते हो, लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है अंदर जाने के लिए। मुझे तो ये कुछ ज़बरदस्ती राइडर, बोटिंग राइडर लग रहे हैं। देख सकते हैं कितना ही उन्होंने ताम जाम सब लगा के रखा है, सैटेलाइट वगैरह सब है इसके अंदर। और ये सामने समुंदर है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा और शांत, बोल सकते हैं कि शांत समुंदर है यहाँ पर। आप अच्छे से आप इसके अंदर जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हो। सामने ही आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या आपको कर सकते हैं इसके अंदर। ये देखो आप समुंदर के किनारे जाके हम आपको दिखाते हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हम आपको यहाँ देख सकते हैं आप कितना अच्छा वेदर है, और ये स्काई कितना क्लीन है यहाँ पर। और अभी ये शाम का टाइम है, दिन ढलने वाला है, और यहाँ पर आप समुंदर की लहरों को भी फील कर सकते हैं। देखो कितनी शांत लहरें हैं और धीरे धीरे आ रही हैं ये इधर। अब हम चलते हैं ऊपर ऊपर की साइड और आपको और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं वहाँ पर, और चीज़ें दिखाते हैं। ये देखो कितनी अच्छी हरियाली है यहाँ पर, और आपको जगह जगह यहाँ पर डस्टबिन वगैरह भी रखे हुए मिल जाएंगे। और अब हम एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर थेरोपेटिक गार्डन के अंदर, और इसके अंदर अब हम चलते हैं और आपको चीज़ें दिखाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठने के लिए यहाँ पर चेयर वगैरह सब लगाई गई हैं, और बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, बच्चों के खेलने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी पार्क बनाया गया है यहाँ पर, जहाँ पर छोटे बच्चे आकर खेल सकते हैं। ये देख सकते हैं
ये शायद कोई गिटार वगैरह है जहाँ पर ऐसे बजाने के लिए बच्चों के एक्टिविटी होती होगी ये। और अब हम चलते हैं, यहाँ पर देखो साइड में कितने अच्छे फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पर भी बैठने के लिए आपको चेयर मिल जाए, अगर आप थक जाते तो बैठ सकते हैं चेयर पे। और यहाँ देखिए अब हम आते हैं यहाँ पर, ये देखो कितना अद्भुत नज़ारा है यहाँ से, कितना अच्छा ये सब चीज़ें लग रही हैं कि कैसे इन्होंने कितने अच्छे से इनको संजो के रखा है। ये देखो कितने अच्छे ये पौधे हैं, ये कौन से हैं ये मुझे नहीं पता इनके बारे में, बट ये लग तो बहुत काफ़ी सुंदर रहे हैं। और ये देखो आप, ये कौन सा है, हाँ ये मरवा जो हमारा रहता है उसका ये प्लांट है, कितना अच्छा अच्छे से लगा के रखा है। और आप ये देखो फ्लावर्स वगैरह कितने अच्छे हैं, कितने पीले, कितने सुंदर, चार चांद लगा रहे हैं इस पार्क की सुंदरता में। और आप इधर से ये देख सकते हैं, ये हमारा कैरी पत्ता जो रहता है उसका पेड़ है। यहाँ साइड में देखो कितने अच्छे ये फ्लावर्स लग रहे हैं, कितने अच्छे। और ये बनाना का जो है वो ये पेड़ है यहाँ पर। ये वाटर पार्क आप साइड में देख सकते हैं, पस ये था, ये वाटर पार्क है यहाँ पर। और यहाँ तो रास्ता बंद है, हम साइड से निकल के उधर जाएंगे, उधर हम लोग और बाकी की चीजें एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर बहुत काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और रात में अपने आप ही लाइट वगैरह सब ऑन हो जाती है, आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा हुआ है और लाइट सब ऑन हो गई है यहाँ पर। ये फ्लावर्स वगैरह कितने सब कितने सुंदर लग रहे हैं। लोग यहाँ शाम में जॉगिंग वगैरह के लिए आते हैं। साइड में कितने अच्छे प्लांट्स वगैरह, कितने एक एक कितने उन्होंने कितने अच्छे सलीके से सब लगा के रखे हैं, कोई भी ऐसे नहीं है कि एक दूसरे के साइड में, प्रॉपर गैपिंग वगैरह हर चीज़ का इन्होंने प्रॉपर ख्याल रखा है। अब इवन इतने बड़े पार्क में भी ये सब चीज़ें हार्डली कहीं देखने को मिलती हैं। और सामने आप देख सकते हैं कि सोलर, यहाँ से सोलर एनर्जी का जो उन्होंने प्लांट लगाया, इसी से ये शायद इसी से क्या करते हैं, दिन के अंदर एनर्जी को स्टोर करते हैं बैटरी के अंदर, और इनसे लाइट वगैरह जल जाती है। और यहाँ पर भी एक छोटा सा गार्डन है, ये आप देख सकते हैं,
ये देखो जाने के लिए इन्होंने कितना अच्छे से इसको बनाया है। यहाँ पर ये देखो कितने पूरे पत्थर वगैरह कितने अच्छे से यहाँ पर ये किया, कितना अच्छा खूबसूरत सा है अंदर जाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ अंदर जाकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्या है, ओ कितना अच्छा फ्लावर का ये पौधा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये देखो कितने अच्छे से एक एक छोटा सा जो है ये कितना अच्छे से बनाया है। ये देखो आप यहाँ पर भी आपको तुलसी की, ये देखो कितना अच्छा तुलसी का ये इन्होंने लगा के रखा है, जो हमारी पवित्र जिसको हम पौधा मानते हैं, हर कोई अपने घर में ये तुलसी का पौधा लगा के रखते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको यहाँ पर देखकर। और ये देखो इधर भी एक तुलसी का पौधा इधर भी लगा हुआ है। और ये देखो कितने सारे यहाँ पर ये ग्रीन, ये कौन सा पौधा है, ये भी कोई हर्ब्स वगैरह है। और ये देखो यहाँ पर हमारे गेंदे के जो फ्लावर्स हैं ये कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर, एक एक चीज़ कितनी अच्छी। और ये देखो पुदीना, यहाँ पर आपको पुदीना देखने को मिलेगा, ये कितना अच्छा है यहाँ पर पुदीना। और इधर आप आते हैं तो आगे देखो इसके अंदर आपको ये एलोवेरा कितना अच्छा यहाँ पर लगा के रखा है। ये पूरा एलोवेरा का इन्होंने एक छोटा से सेक्शन में कितने अच्छे से संजो के रखा है एलोवेरा को। और यहाँ पर ये साइड में जो खाली है इसके अंदर ये शायद कुछ और कुछ लगाएंगे। देखो कितने अच्छे से छोटे छोटे यहाँ से निकलते टाइम भी कितना अच्छा ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में आ गए हो हम लोग। ये देखो आपको ये पौधा एक आर्टिफिशियल पौधा लग रहा होगा लेकिन ये एक रियल पौधा है। और आप यहाँ साइड में घने जंग पेड़ देख सकते हैं, कितने पुराने पेड़ हैं ये, इनकी जड़ें वगैरह देखो कितनी बहुत ज़्यादा पुराने पेड़, रेयर ही कहीं दिखने को मिलती इतना पुराना पेड़। कितना कैसे इसके ऊपर भी देखो कितना अच्छा अद्भुत, इसके ऊपर से आसमान को देखना तो एक जन्नत जैसा लगता है। सामने आप ये देख सकते हैं कि एक ही रेस्टोरेंट है, यहाँ पर अगर आपको खाने के लिए अगर चलते चलते अगर भूख लगी हो तो आप इसके अंदर जा सकते हैं और अपने मनपसंद खाना खा सकते हैं। और यहाँ पर भी वोटिंग वगैरह के लिए आपका मन कर जाए चलते चलते तो आप यहाँ से वोटिंग वगैरह के लिए वोट खरीद सकते हैं और जाकर समुंदर में वोटिंग कर सकते हैं। चाइनीज रेस्टोरेंट है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। और आपको साइड में यहाँ पर हर जगह मिल जाएगी छतरी, जैसे सामने आप देख रहे होंगे बारिश से बचने के लिए। क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती रहती है
तो हर जगह आपको ऐसी छतरियाँ मिल जाएंगी। लाइट से अगर आप पार्क में आए और बारिश आ जाए तो आप इन छतरी के अंदर जाके अपने आप को सेव कर सकते हो। जैसे जैसे यहाँ शाम होती जाएगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्क में आते, लोगों की भीड़ बढ़ती चली जाएगी। देख सकते हैं लोग वीकेंड में आते हैं और यहाँ पर आप अपनी कुकिंग वगैरह करते हैं। यहाँ पर आप चिकन वगैरह सब वो कर सकते हैं यहाँ पर बैठने के लिए। और ये डस्टबिन है यहाँ पर, अगर आपका कोई कचरा वगैरह वो सब इसके अंदर डाल सकते हो। ये देखो कितनी खूबसूरत है, ये काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर इसमें जब फ्लावर्स वगैरह आ जाते हैं तो ये काफ़ी अच्छी लगती है। बट अभी के लिए यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन जनरली यहाँ पर इसमें पूरी फ्लावर्स से घिरी रहती है। ये जो बेल है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावर्स वगैरह आते हैं। और सामने ये समुंदर है, आप देख सकते हैं। नजारा है यहाँ पर, चारों तरफ हरियाली है, साइड में बीच है। और ये देख सकते हैं, अगर आपको मेरा ये टूर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टूर के साथ।